और मैं हूँ श्री और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, वो है ब्रेड उपमा का रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले आपको ब्रेड चाहिए, ये टोमेटो है, 2 पीसेस टोमेटो मैंने कट के रखा है, 2 मीडियम साइज का प्याज, और ये है ग्रीन एंड रेड चिली मैंने लिया और इसको भी मैंने स्मॉल पीसेस में कट के रखा है, और ये है नमक थोड़ा सा, और ये है जीरा का पाउडर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड उपमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से धो लिया और उसके बाद लाइट ऑन और उसके बाद गैस को ऑन कीजिए, और उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, और हमारा तेल जो है वो ऑलरेडी गर्म हो गया है, और इसके लिए और इसके बाद सबसे पहले मैं प्याज को डालूंगी। गैस को मीडियम आंच पे रखिए और सबसे पहले मैं प्याज दे रही हूँ। ठीक है, हमारा प्याज जो है वो ऑलरेडी पक चुका है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। इसके अंदर मैं टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी थोड़ा सा, और ये है हमारा रेड और ग्रीन चिली, ये भी डाल दूंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक ढक्कन लेती हूँ और ढक्कन से इसको ढक दीजिए, अच्छे से कवर कर दीजिए। अब मैं ढक्कन को खोलूंगी, हमारा जो टमाटो और ऑनियन है वो ऑलरेडी कुक हो चुका है, और बीच में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर दूंगी थोड़ा सा जीरे पाउडर। ठीक है, थोड़ा जीरे पाउडर ऐड कर लीजिए, और हमारा जो कटा हुआ ब्रेड है आप मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ठीक है, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो फाइनली ये बन गया हमारा ब्रेड उपमा, इसको अच्छे से सर्व कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम मी। तब तक के लिए बाय।